बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बड़ी बैठक हुई। ये बैठक 2024 के आम चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर हुई। जानकारी के मुताबिक इसमें 15 दलों के शीर्ष 27 नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ देश भर से पटना में जुटे राजनीतिक दलों की बैठक में कांग्रेस के नंबर वन नेता ने ज्यादा समय बाकी नेताओं की बात सुनी और बहुत कम बोला। मीडिया के सामने आए भी तो बेहद संतुलित रहे। बैठक के दौरान उनकी चुप्पी को आपसे तकरार के रूप में देखा गया। हालांकि बाद में मीडिया के सामने उन्होंने एक बात पर हामी भरी तो माहौल हल्का हो गया। राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बाद उन्हीं को बोलने कहा। उन्होंने इशारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर कर दिया। खड़गे ने अपनी बात पूरी की तब राहुल बोले, लेकिन उस समय कोई अलग बात नहीं हुई। बात अंत में हुई जब समापन की बातें कहने के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी को दाढ़ी हटवाने या कटवाने को कहा और ये भी कहा कि नीतीश जी की भी यही राय है कि इसे छोटी कराइए। इस बात पर राहुल ने मंद मंद मुस्कुराते रहे, लेकिन जब राहुल ने शादी की बात ठान दी तो उन्होंने जवाब दिया। लालू ने कहा कि शादी करिए, बराती चलना है। इस पर राहुल गांधी बोले, पक्का करेंगे, आप बोल रहे हैं तो। लालू फिर भी नहीं रुके, सोनिया गांधी से राहुल की शादी के संबंध में हुई बातचीत से ठहाके लगवाए। इन्हीं ठहाके के बाद अचानक सभी नेता मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर उठ गए। कांग्रेस के नंबर वन नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे पटना पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए गए थे। राहुल वहां से बेली रोड, बोरिंग कैनाल रोड होकर सदाकत आश्रम गए। वहां कांग्रेसियों को संबोधित किया और तय समय पर बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए। उन्हें 2:30 बजे निकलकर 4 बजे दिल्ली में रहना था, यही बताया गया था। लेकिन आपके दोनों सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के चले जाने के कारण राजद अध्यक्ष लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बाकी नेताओं ने भी उन्हें मीडिया से बातचीत के दौरान उपलब्ध रहने को कहा और वह रुक भी गए। वहीं 2024 में भाजपा को हराने की तैयारियों में जुटे विपक्षी दलों के नेताओं ने महाबैठक तो की। इन दलों की लोकसभा में आज क्या स्थिति है और पिछले आम चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा, किस दल को कितनी सीटें मिली, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस को 49 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 23, शिवसेना UBT को 6, जदयू को 16, आपको 1, द्रमुक को 24, सपा 3, माकपा 3, राकंपा 5, भाकपा 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, झाजुमो 1, भाकपा माले 0, PDP 0, राजद 0, कुल मिलाकर के 15 राजनीतिक दलों के पास 136 सीटें हैं। जो 15 दल जुटे हैं उनके पास मौजूदा लोकसभा में 136 सीटें हैं। इनमें भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जदयू और द्रमुक के पास 82% यानी तकरीबन 112 सीटें हैं। इस लिहाज से विपक्षी एकता के लिए मौजूदा परिस्थितियों में इन 4 दलों का एकजुट रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दलों में भी कांग्रेस और जदयू का बिहार में पहले से गठबंधन है। वहीं द्रमुक के साथ भी कांग्रेस तमिलनाडु में गठबंधन है। इस लिहाज से इन 4 दलों में तृणमूल कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं शेष दलों में सबकी नजरें आम आदमी पार्टी पर टिकी है, जो केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ सभी दलों और विशेषकर कांग्रेस का साथ चाहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।